अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों को मेरे तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान करीम मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें इस माह मुकद्दस से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए। जी अब्दुलहनान और मैं मिल के जी हम चाँद देख रहे थे, मगरब की नमाज़ से पहले चाँद नज़र नहीं आया, तो फिर हम दोनों जी मस्जिद चले गए नमाज के चलो लिए। चलो मस्जिद की तरफ चलो। चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ। अब आराम आराम से गिर नहीं जाओ। रमज़ान के महीने से हम जितना फ़ायदा हो सके फ़ायदा उठाएं, अल्लाह पाक से जितनी ज़्यादा इबादत हो सके करें, अल्लाह पाक की इबादत करें और अस्तग़फ़ार करें कसरत से। अल्लाह पाक माह रमज़ान के बाद भी हमें इसी तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह से जितना हो सके इस माह रमज़ान में अल्लाह से गिड़गिड़ा के हम दुआएँ मांगें, अल्लाह से तौबा अस्तग़फ़ार करें। अब्दुलहनान जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि जी मैं चाँद देखूँगा, तो इसलिए यहाँ से इसे नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर इसने दौड़े लगाई हुई थी कि जी मैं फ़ौरन पहुँच के देखूँगा, लेकिन अभी तक चाँद नज़र नहीं आया था। हम दोबारा अब जाके टेरेस के ऊपर खड़े होके देखते हैं कि शायद वहाँ से नज़र आ जाए। ये देखें अब्दुलहनान ने जी अपनी दूरबीनें लगाई हुई हैं। दूरबीन से देखो, हैं दूरबीन से, अपनी दूरबीन से। कहाँ हैं तारे? तारे नहीं है, लाइट है। फाइनली जो है चांद हमें नज़र आ गया है, तो हमने सोचा क्यों ना दुआ मांग लें हम। जी अल्लाह पाक हमें इस माह मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।